नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास खंड के पिंडरा ग्राम सभा में जल रैली एवं जल सुरक्षा संकल्प चलो नदी की ओर का किया गया आयोजन। विश्व जल दिवस कार्यक्रम 2023 में जल रैली एवं जल सुरक्षा संकल्प चलो नदी की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एवं उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण जिला परियोजन प्रबंधन इकाई तथा यूनिसेफ के सहयोग में ग्राम विकास सेवा संस्था संत कबीर नगर के स्वादान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन, जल सुरक्षा, यूनिसेफ के मंडलीय सलाहकार धर्मेंद्र कुमार व ISA कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार यादव तथा टीम लीडर राजू कुमार यादव ने बताया कि जल परिवर्तन तेजी यानी पानी और सैनिटेशन के क्राइसिस को दूर करने के लिए तेज गति में बदलाव करने होंगे। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि जल के बिना जीवन संभव नहीं, जल को जन से जोड़कर इसकी शुद्धता और संरक्षण के प्रति जन समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है। जन जनहित बीमारी के कारण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्राम विकास सेवा संस्था संत कंवर नगर के टीम लीडर राजू कुमार यादव, कोऑर्डिनेटर संदीप, दीपेश, सूरज, धनंजय, ग्राम पंचायत पानी समिति, स्वयं सहायता समूह सदस्य, पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। रैली का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? देखिए, आप सभी को पता है कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे संस्थाओं के द्वारा एवं हमारी सहयोगी टीम के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है जिसका नाम है जल सुरक्षा जन रैली चलो नदी की ओर। आप जानते हैं कि आज समुदाय का जो प्राकृतिक स्रोत है, जल स्रोत है, उससे नाता कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्राकृतिक जल स्रोतों से नाता जोड़ने का कार्य एवं उससे आह्वान कर रहे हैं कि ताकि लोग प्राकृतिक जल स्रोतों से जुड़ें एवं जल जनित बीमारियों से कैसे दूर रहा जा सके और कैसे शुद्ध जल एवं गुणवत्ता को पहचाना जा सके। जल जीवन मिशन के तहत आज प्रत्येक ग्राम सभाओं में योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिससे प्रत्येक घरों को शुद्ध जल एवं पेयजल की सप्लाई उनके घरों तक की जा सके। आप सभी लोग आभारी हैं कि आज इस रैली में आप लोग आयोजनकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं। आप लोगों की बहुत बहुत बधाइयाँ तथा आगामी ऐसे ही रैलियों का आयोजन हम लोग करते रहेंगे ताकि शुद्ध पेयजल गुणवत्ता एवं इसकी जानकारी हम लोग समुदायों तक कैसे पहुँचाएँ और इसकी जानकारी देते रहें।